हेलो एवरीवन एंड ताजुल आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 80 फंदे डाले थे। अब ये मैंने जाली दी और 6-6 फंदों के बाद जाली दी, एक फंदा उल्टा और ये 6 फंदे, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये 6 फंदे, ऐसे मैंने इस तरीके से बनाया। अब मैं इसको दूसरा पैटर्न ऊपर से शुरू करती हूँ। और ये डबल पट्टी मैंने जो बना रखी है, मैंने अपने वीडियो में दे रखी, आप देख सकते हो उसमें इस तरीके से। ये 2 का 1 कर दिया, फिर एक फंदा, ये 2 और ये 2 फंदे, इस तरीके से 2 का 1, फिर ये सीधा, ये उल्टा और इसमें ऐसे जाली देनी, फिर धागा आगे, फिर नहीं धागा पीछे, इसी तरीके से इसमें जाली देनी है ऐसी 2 का 1। ऐसी ये रो में कंप्लीट करती हूँ। 5 फंदे मैंने बना रखे हैं, ये जाली वाला फंदा, इसी तरीके से धागा आगे, इस तरीके से बनाना है। जाली वाला ऐसे ले लो, बीच वाला है, बीच वाला फंदा है ये जाली वाला, फिर ये वाला फंदा ऐसे सीधा लेना है, ये वाले फंदे ऐसे सीधे बनाने। ये पूरी रो में इसी तरीके से बनाऊंगी। इसके ऊपर जाली आ गई और ये इस साइड से भी कम हो गए, इस साइड से भी इसमें कम हो गए और ये जाली से बढ़ गए। फिर अगली रो में फिर दिखाती हूँ। चार फंदे बना दिए, सीधे फंदे के इस साइड धागा है, इसमें एक सिंगल ऐसे जाली दे दें और इसको उल्टा, उसको ऐसे बना के यहाँ से जाली देने, ऐसे एक जाली ऐसे देनी है, जाली के ये बीच वाले फंदे के, एक इस साइड से, एक इस साइड से, फिर ये 2 ऐसे उल्टे बनाने। ये 2 का 1 करना, 2 का 1 भी करना, आगे धागा ये जाली बन जाएगी, 2 का 1 बन जाएगी। इस तरीके से ये ऐसे जाली, ये धागा पीछे, ये 2, फिर ये धागा पीछे, ये वाली जाली ऐसे बना लो, इसमें इस तरीके से जाली देनी है। ये धागा पीछे इस तरीके से, नहीं धागा आगे इस तरीके से, इसमें जाली बन जाएगी, 2 फंदों का 1 फंदा, ये जाली बनी, धागा पीछे, ये उल्टा, ये उल्टा, फिर धागा पीछे, ये सीधे बनाना है और ये बीच वाले फंदे के साथ में ऐसे जाली देनी और इस साइड भी जाली देनी है, 2 फंदे, ये धागा आगे ही रहेगा,
इस तरीके से मैं ये रो को पूरी बनाती हूँ। और ये जाली दे दी मैंने, जाली वाले में 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। ये दो फंदे इस तरीके से बनाने इसके, और ये वाला धागा आगे ही रहने देना है, ये वाला फंदा और ये पीछे वाला फंदा ऐसे दो का एक करना, का एक करके फिर ये वाला फंदा और ये इस तरीके से एक बुक कर देना। इसको इस नीडल में ले लो, फिर ऐसे धागा पीछे, ये एक दो ये बना दिया। फिर ये जो जाली वाला है इसको एक फंदा दो फंदे, और ये जाली ये बीच वाले फंदे के पास ऐसे जाली, फिर ये फंदा आगे दो उल्टे बनाने ऐसे, फिर धागा आगे ही रहने देना है, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इसके साथ ऐसे कम कर, जो बीच वाला फंदा है ये बीच वाला इसको इसके साथ ऐसे कर दें, फिर इसको इस नीडल में ऐसे ले लो। यहाँ ये धागा पीछे ही रहेगा, आगे वाली ऐसे जाली दे देना है। इसके बाद मैं इसमें जाली नहीं दूंगी, पत्ता कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने पहले ही यहाँ तक दिखा रखा था, अब मैंने ये फंदे बांट दिए। अब मैं पीछे वाला जो पार्ट है इसको मैं 6 रो बनाऊंगी, एक उल्टी एक सीधी करके 6 रो बनाऊंगी ऐसे। फिर इस तरह का गला दिखेगा, 6 रो बनाने के बाद ऐसे दिखेगा। अब इसी तरीके से मैं एक सीधी एक उल्टी करके 6 रो बनाऊंगी पीछे वाले पार्ट के। यहाँ पर मैंने ये बाजू के लिए फंदे दे रखे हैं जो ये रहे। अब मैं इधर से इस तरफ पलट लूँगी धागा, ये फंदा निकाल लो या ऐसे बुन लो। ऐसी मैं 6 रो बनाऊंगी फिर दिखाती हूँ आप। अब इस तरीके से मैं ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, ये दोनों पार्ट को मैं साथ में बनाऊंगी ऐसे। 4 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ा रखे हैं, अब मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अब इस तरीके से मैं 4 फंदे डाल दूंगी। अब ये फ्रंट वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको बनाऊंगी इसी तरीके से। अभी बैक साइड मैंने 6 रो बना दी, ये बना रखे ऐसे 1 2 3 4 5 6 बना दी। अब मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी, पूरा बनाऊंगी, ये बाजू ऐसे छोड़ दूंगी। 4 फंदे मैं इसमें भी डालूंगी, 1 2 2 3 4 ये बाजू है मेरा, और यहाँ पर मैंने 4 फंदे बना दिए, इस साइड भी 4 फंदे बना रखे। अब मैं इसको ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट ये मैंने यहाँ तक बना दिया, ये बाजू मैंने अलग कर दी दोनों, ये गला इस तरीके का बन गया। अब यहाँ से मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी आपको। थैंक यू।